नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। दोस्तों, आज हम लोग सूरज कुंड के गुजर महोत्सव में हैं और ये गुजर महोत्सव गुजर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट टीम करा रही है। पिछले साल भी ये गुजर महोत्सव हुआ था और अभी ये सेकंड टाइम गुजर महोत्सव का प्रोग्राम यहाँ आयोजित हो रहा है। तो आज हम आपको गुजर महोत्सव से जुड़ी हुई यहाँ की गुजर संस्कृति की विरासत है वो हम आपको दिखाएंगे और यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं, उन सब से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं गुजर महोत्सव की तरफ और आपको मिलाते हैं यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ के लोगों का खान पान है और बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ ये गुजर संस्कृति का एक हिस्सा है, यहाँ नगाड़ा, ये ढोल बजाए जा रहे हैं। ये बहुत पहले गाँव के अंदर इस तरीके का उत्सव मनाया जाता था, इसकी भी एक झलक यहाँ दिखाई जा रही है। और इसी तरीके की और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। आइए चलते हैं। सर, नेशनल प्लेयर हमारे साथ हैं, जानते हैं उनके बारे में कि वो भी गुजर महोत्सव में आई है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी कसाना है। साक्षी कसाना? साक्षी कसाना, कहाँ से हैं आप बेसिकली? मैं राजपुर गांव से हूँ। राजपुर, तो आप किस प्रोफेशन में, किस फील्ड में? मैं पैरा एथलीट हूँ, इंटरनेशनल पैरा एथलीट। मैंने बहुत इंटरनेशनल स्तर पे बहुत गोल्ड मेडल, सिल्वर भी जीते हैं और मैं अभी फिलहाल पैरा जो डिस्कस थ्रो है उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। गुजर महोत्सव में आकर कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आकर, बहुत अपनापन, अपना कल्चर देख के बहुत खुशी मिल रही है। आपको भी यहाँ सम्मान दिया गया है? हाँ जी, मुझे यहाँ पर सम्मान दिया गया है और यहाँ पर आकर मेरे को एक बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है कि हमारे गुजरों में लाइक लड़कियाँ हैं वो आगे बढ़े जिंदगी में। मैं जब पैरा होके, मतलब डिसेबल होके, मैं इतनी कर सकती हूँ, बाहर विदेश जाके खेल सकती हूँ, तो हमारे यहाँ पे बहुत टैलेंट्स हैं जो बाहर निकल के आए और अच्छी परफॉर्मेंस दे। आपको क्या डिसेबिलिटी है? मेरे को कमर में, स्पाइन मेरी फ्रैक्चर हो गई थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, तो मेरे को नीचे हिस्सा, मतलब लाइक लेग्स मेरे काम नहीं करते हैं। ये मेरे को अभी 2017 के बाद से है। 2017 में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मेरी डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी, मेरे डैड को, मेरे चाचों को, कि आपकी बेटी कभी चल नहीं पाएगी। उस टाइम पे मेरे चाचा जी हैं सुबोध कुमार, उन्होंने बहुत साथ दिया, उन्होंने बोला कि नहीं तू चलेगी। वो मेरे को पैरा गेम्स में लेके आए और आज मैं इस स्टेज पर हूँ। दर्शकों, अभी हमारे साथ नेशनल प्लेयर थी और ये फिजिकली एबल्ड हैं, उसके बाद भी ये अपने सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो दर्शकों, मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी यहाँ जो गुजर महिलाएं हैं यहाँ अभी अलग अलग तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं। और आओ एक बार ज़रा दिखाते हैं दर्शकों को, एक बार इधर आइए। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं, ये गुजर महिलाएं हैं जो सभी इसको देखना ही आ गया हो। ये इधर सभी जितनी भी गुजर महिलाएं हैं ये अभी इस प्रोग्राम को देखने के लिए आई हुई हैं और गुजर महोत्सव में ये सब लोग हर्षोल्लास के साथ अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हैं और सभी काफी उत्साहित हैं। जी मैडम, नाम आपका? एडवोकेट सीमा चौधरी। चौधरी, तो आप भी यहाँ ऑर्गेनाइज कर रही हैं प्रोग्राम? जी, मैंने लास्ट टाइम भी किया था और अब भी कर रही हूँ। अभी क्या क्या परफॉर्मेंस यहाँ होने वाली है? यहाँ सारी लेडीज से रिलेटेड जो भी होंगी, लेडीजों की ही परफॉर्मेंस होंगे, हमारी गुजरी वाली परफॉर्म होगी, जैसे गुजरी गीत हो गए, गुजरी डांस हो गया, रिलेटेड सारी परफॉर्मेंस होंगी, गुजर कल्चर से रिलेटेड ही परफॉर्मेंस यहाँ दी जाएंगी। जी जी, और अपने ही वेशभूषा में होंगी मोस्टली, जो पारंपरिक परिधान है उसी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
तो अभी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है? नहीं नहीं अभी तो ये सस्पेंस रखेंगे हम। चलिए दर्शकों अभी हम हमारी 3 दिन तक इस तरीके के प्रोग्राम चलेंगे यहाँ। चलिए ठीक है, अभी दर्शकों यहाँ एक परफॉर्मेंस होने वाली है तो हम वो आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम की संयोजक है नीतू श्यामदेव भड़ाना। नीतू जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो अभी क्या क्या परफॉर्मेंस आपके यहाँ होने वाली है? भैया देखिए, जैसे आप देख रहे हैं मेले में रौनक तो सारी यहीं जमा है। गांव की सारी बहनें आई हुई हैं और अपने रीति रिवाज कल्चर शुरुआत हमने जो की शुभ के गीत से की, शुभ की घड़ी गाई, स्कूल के बच्चों ने आरती वंदना की और अब अलग अलग गाँव की महिलाएं, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हमारा प्रोग्राम महिलाओं को डेडिकेटेड होगा और गांव की महिलाओं को, हमारे यहां पे जो परफॉर्मर हैं वो गांव की महिलाएं खुद हैं। जी जी जी, तो तीनों दिन ऐसे इसी तरीके का प्रोग्राम रहेगा यहां। तीनों दिन इसी तरीके का, साथ में हमने बीच में रूबरू द लिविंग लाइब्रेरी जो हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनको भी बुलाया हुआ है, तो वो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में हमारी महिलाओं को बता रही हैं और जो महिलाएं सुन रही हैं ये कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रही हैं कि बेटियां आज के टाइम में बेटों से कम नहीं हैं। अगर ये बेटियां ये कर सकती हैं तो हम भी तो आगे अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा के इस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, श्योर श्योर। हमारा सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि गुजरी महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वो बिजनेस है, खेल कूद है, जॉब है, सेना है, हर जगह महिलाओं का परचम लहरा रहा है। नहीं बिल्कुल, परचम भी लहरा रहा है, अभी लड़कों को डिफीट करने वाली है। पढ़ाई में तो कर ही रही है, अगर आप एजुकेशन वाइज देखें तो लड़कियों की परसेंटेज लड़कों से ज्यादा है। तो ये कहाँ की महिलाएं हैं? अभी जो प्रोग्राम हो रहा है ये फतेहपुर का प्रोग्राम है, पिंकी फतेहपुर बेरी, पिंकी तवर जी अपनी टीम को लेके आई हुई हैं। इससे पहले लकड़पुर का प्रोग्राम था, अनंगपुर डेरी का प्रोग्राम था, खानपुर का प्रोग्राम हो चुका है और आने वाले टाइम में दिल्ली NCR के आसपास के जितने गांव हैं उन सबको हम परफॉर्मेंस का टाइम दे रहे हैं। और आपको यहाँ जो परफॉर्मेंस दिखेंगी वो अनसीन होगी, मतलब वो कहीं कमर्शियली आपको नहीं दिख पाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ गुजर महोत्सव Stage 2 पे दिखेंगी। बहुत शानदार। हेलो, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ जरा इधर दिखाएं, साइड आओ, इधर यहाँ आओ। अभी ये गुजर महिलाएं अपनी गुजर संस्कृति में अपनी परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो दर्शक आप देखें अभी। राउंड लेते रहो, राउंड संस्कृति के जो गीत हैं उन गीतों पर परफॉर्मेंस दे रही है,
बड़ा शानदार ये दृश्य है, बढ़िया तरीके से ये लोग कर रहे हैं। सभी महिलाएं बड़े जोश में हैं और बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे रही हैं। जॉब में है या हाउसवाइफ? आई एम हाउसवाइफ। तो गुजर मौसम में आगे कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ यहाँ तक कि हम लास्ट ईयर भी आए थे और लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोगों में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है और लास्ट टाइम हमने देखा ज़्यादा लोग, हमारे जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा नहीं थी इतनी जितनी इस बार, उसमें भी बहुत वो भी बहुत जागरूक हुई है यहाँ आने के लिए, जिससे कि हमारा गुजर समाज और बढ़ेगा आगे। ये जो गुजर महिलाएं अपने परिधान में आई हैं, ये तो बड़ा रेयर देखने के लिए मिलता है। हाँ जी, बहुत रेयर मिलता है, बट ये हमारी वेशभूषा है, इससे हम ये जज नहीं कर सकते कि भाई ये गुजरी हैं और जो वेशभूषा हमने पहनी हुई है हम गुजरी नहीं है, तो ये गुजरी है, ये तो हमारी वेशभूषा है, इससे कोई हम किसी को जज नहीं कर सकते। आपकी भी परफॉर्मेंस है? नहीं है, नहीं अभी नहीं है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ, एक छोटी सी पोएम बोलनी है मुझे, तो अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है।